काम ना करते। बढ़िया बढ़िया, आपने डिसीजन लिया तो हो गया, डिसीजन लेने से हो गया जी। बिल्कुल, ये है कि अगर आप सोच लीजिए ना टारगेट, जैसे कोई चीज फिगर दिमाग में फिट हो जाए कि 5 करना है, ये तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि सोचना जरूरी है कोई चीज बारे में, फिगर बना लिया तो फिर चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, जरूर हो जाएगा, वो सोचेंगे ही नहीं अगर उसके लिए प्रयास नहीं। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, राइट। अच्छा सोचा आपने, बहुत बढ़िया सोचा, अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया। और बताएं और क्या चल रहा है। हरिराम जी आपने माइक ऑन कर रखा है, गुड मॉर्निंग, आप कुछ कहना चाहते हैं हरिराम जी? अजय कुमार मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रविराज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हरिराम जी, बताइए क्या हाल है आपके? सर ठीक है, बताइए क्या प्रोग्रेस, क्या चल रहा है, किसको किसको मिल रहे हैं आज, किसको मिले, कल किसको मिले थे, परसों किसको मिले, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कौन कौन लोग आपकी बात सुनने के लिए? हाँ जी हाँ, बीओसी जमा करनी है, बीओसी जमा करनी है। आप कस्टमर से डायरेक्टली ट्रांसफर करवाएंगे या तो दफ्तर में आके पैसे जमा करेंगे? दफ्तर में आएंगे, ठीक है। आज 2 बजे तो एजेंट्स का मीटिंग भी रखा हुआ है, सीनियर डिवीजन मैनेजर आपके धर्मपाल जी जो हैं दफ्तर के अंदर आ रहे हैं, 12:30 बजे दफ्तर में उन्होंने बताया है कि पहुंच जाएंगे और एजेंट्स का मीटिंग 2 बजे स्टार्ट होएगा। सो आप मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं ना, जो एजेंट्स मीटिंग है जो एसडीएम साहब के साथ में? हाँ जी आ जाएंगे सर। बढ़िया, तो एजेंट्स मीटिंग में आप 2 बजे शामिल होइए, आपके सीनियर डिवीजन मैनेजर धर्मपाल जी, और कलेक्शन का भी ध्यान रखें, सभी साथी ध्यान रखें, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज इसके अंदर जमा करना है, और बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा यदि इसके अंदर हम लोग कलेक्शन बढ़िया कर पाएंगे तो आपको भी बढ़िया महसूस होगा, अच्छा लगने वाला है। हम लोग टारगेट जब ले लेते हैं, जैसे मिश्रा जी ने बताया, जब हम टारगेट ले लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि ये वाला काम करना है तो वो काम पक्का हो जाता है। जब तक हम सोचते नहीं, जब तक हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे, तो ये नहीं है होता है काम। जब हम पक्का डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये तो मुझे करना ही है, चाहे कैसे भी हो ये तो मुझे करना ही है, तो जैसे ही हमने डिसीजन ले लिया तो वो सारी कायनात हमें क्या बोलते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से मिलाने की साजिश करने लगती है जी। आप अभी भी थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, यदि आपका एक दो पॉलिसी और भी, यदि आज का कुछ और सेल हो सकता है तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। आज फोटो कोलाज का भी है कि यदि आप 5 पॉलिसी करते हैं, 5 या 10, तो वो फोटो कोलाज के लिए भी स्पेशली आपका उसके अंदर आएगा, तो फोटो कोलाज भी आपका स्पेशली बनेगा, आपको अच्छा लगेगा कि फोटो कोलाज आपका बना, ठीक है आपको शायद इसके अंदर अच्छा लगे। इनका आप ये मत सोचिए कि इनकी बहुत ज्यादा कोई वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा कोई प्राइस होता है, मतलब प्राइस के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो शायद प्राइस के हिसाब से ये कोई ऐसा लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इसी बहाने अपना काम हो जाता है, इसी बहाने अपना सेल हो जाता है, इसी बहाने हम कुछ कर पाते हैं जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, प्रोग्रेस वगैरह कुछ, और किसी भी चीज के बारे में, हम लोग कहाँ तक, हमारी एक्टिविटीज, हमारे कोई गोल्स हैं, हम अपने गोल्स के हिसाब से जीवन में चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, या तो हमारे गोल्स भी हैं कि नहीं है, या तो हमारा टू डू लिस्ट भी है कि नहीं है, या तो हमने कोई जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करे हैं कि नहीं करे हैं, क्या हमने अपने गोल्स को लिखकर रखा है कि नहीं रखा है। टेलीफोन अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बात किया था अभी, शायद परसों किया था, याद है? परसों के बारे में याद है, किसी को याद है? नहीं है? हाँ याद है सर, टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि क्या बोलना है क्या नहीं। जी बढ़िया, तो हमारा टाइम जो है उसके अंदर कंप्लीट हो गया था, तो इस वजह से हमें बीच में छोड़ना पड़ा था, तो ये वाला प्रेजेंटेशन है इसके अंदर टेलीफोन अपॉइंटमेंट के बारे में 2-4 चीजें और थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। टेलीफोन अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें, ये सब हम ऑलरेडी ये सब बातें हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उसको दोबारा रिपीटेशन करेंगे तो शायद टाइम वेस्टेज ही होता है दोबारा से उसको रिपीटेशन करने से। तो ये सारी चीजें वीडियो में अवेलेबल है, वीडियो जो है बहुत सारे वीडियो मैंने पब्लिक व्यू में से हटा दिए हैं,
क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा जो सीनियर डिवीजन मैनेजर की तरफ से ऑब्जेक्शन है कि पब्लिक को इस तरह के वीडियो नहीं दिखाने चाहिए, तो हमने अनलिस्टेड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियो ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, अनलिस्टेड अवेलेबल है, जो लिंक मैंने आपको भेजा है उसके अंदर आपको मिलेंगे। सिर्फ अपनी टीम के लिए हम लोग ये वाले वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं कि शायद आपको ये जो हमारी सुबह की रिकॉर्डिंग होती है शायद आपको इससे कुछ फायदा हो। बढ़िया तरीका तो ये है कि हम पेन और पेपर लेके रखें, जो भी हमें काम की बातें समझ आए जो उनको लिख लें। टेलीफोन के अंदर सेल्समैन ट्रैप, ये सेल्समैन ट्रैप क्या होता है? जब हम किसी से टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, टेलीफोन पर हम उसको बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं, इसके बारे में भी डिफरेंशिएशन कर लें। कुछ लोग सेल करने में काबिल नहीं हो पाते हैं फिर भी सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ना तो सेल मिलती है ना तो अपॉइंटमेंट मिलता है। और कुछ लोग टेलीफोन पर बेचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ टेलीफोन पर, मतलब मेरे पास समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेने की बजाय, मुझे पक्का पता है मैं अपॉइंटमेंट लेके मैं जाने का समय मेरे पास नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करता हूँ और सेल करके पैसा आ भी जाता है। मैं कस्टमर को, मेरे को जिससे भी फोन पर बात होती है, मैं तुरंत उसको बोल दूँ, सर आप पैसा ABC, LIC एजेंट होने के नाते हमें ABC फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ABC क्या होता है? ये ABC ये होता है कि ऑलवेज बी क्लोजिंग। ऑलवेज बी क्लोजिंग क्या होता है? ऑलवेज बी क्लोजिंग का मतलब है कि हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें हमेशा सेल क्लोज करने पे ध्यान देना है। अब सेल क्लोज करने का, ध्यान देने का मतलब क्या होता है? क्लोज करने का मतलब पैसा मांगना, तो सेल क्लोज करना ये ऐसा क्या होता है भाई? तो हमारे पास प्रोसीजर हमें बता रखा है, नहीं नहीं हमें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, हमें जाना चाहिए, प्रॉपर तरीका वही है, उसी तरीके से करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। लेकिन हाँ, अभी यदि मेरे पास समय नहीं है तो व्हाट टू डू, अभी मैं उसका वेटिंग करना लग जाऊं तो वो तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर, यदि हम एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के लिए ये वाला रूल एक्सपर्ट्स के लिए, ये वाला सबके लिए नहीं है, क्योंकि फ्रेशर हम हैं या तो हमें ज्यादा इसके बारे में टेलीफोन अपॉइंटमेंट और सेलिंग, हमें फोन सेलिंग की जानकारी कम है, तो फिर हम इसके अंदर अटकने की हमारी पूरी पूरी संभावना है। सो हमें ऑलवेज बी क्लोजिंग कब करना है, जब हम ऑलवेज बी क्लोजिंग के अंदर एक्सपर्ट हों, हमें पक्का पता हो कि हाँ हम इस चीज को बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सो तब तक के लिए अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए लोगों से, जब भी हमें मिलना है पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए। अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए लेना है? मिलने के लिए कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे मिलके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने उसको बोला कि हाँ जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना किस लिए चाहते हैं भाई? नहीं, पॉलिसी बेचने के लिए मिलना है। पॉलिसी बेचने के लिए मिलने में कई सारे लोग आपको मना कर देंगे, उनको क्यों, वैसे ठीक है पॉलिसी बेचने के लिए मिलना है, लेकिन आमतौर पर अपनी मर्जी के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं खरीदना चाहता, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो दाल। सो इसका थोड़ा सा ध्यान करें और आज 2 बजे की मीटिंग का ध्यान रखें। आज 2 बजे जो सीनियर डिवीजन मैनेजर जो आ रहे हैं, तो 2 बजे की मीटिंग में आप सभी को टाइम से पहुंचना है और वहां पर आकर टाइम से पहुंच के वहां पर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और अच्छा लगेगा, हमारे पास कम से कम 3 साल के बाद जो आ रहे हैं वहां पर जो सीनियर डिवीजन मैनेजर हैं, कम से कम 3 साल के बाद कोई ना कोई SDM हमारे पास ब्रांच के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। सीनियर ऑफिशियल से आप डिवीजन में अलग अलग साथी, जैसे डिवीजन में अलग अलग समय पर गए, अलग अलग समय पर वहां पर मुलाकात किया, SDM MM वगैरह डिवीजन में सारे के सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्पेशली ब्रांच में आके वो लोग आपसे मुलाकात करें, वो एक अलग माहौल होता है, एक अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सभी को बढ़िया लगता है कि हाँ वो स्पेशली यहाँ पर आए और स्पेशली आपसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ आपको कहना है इन सारी बातों के बारे में? नहीं, ओके। सो टेलीफोन अपॉइंटमेंट आप कैसे लेते हैं? या तो आप फोन पर बेचने की कोशिश करते हैं या तो आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी साथी बताना चाहेंगे, आप फोन पर बेचने की कोशिश करते हैं या तो फोन पर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं? क्या बात है, फोन पर लोगों को फोन तो करते हैं ना। हाँ गुड मॉर्निंग जी, बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, बताइए। सर दोनों ही बातों सर, वो माहौल के ऊपर डिपेंड होता है सर। हमारा क्लाइंट यदि सर हमारा प्रोस्पेक्ट यदि ऑलरेडी सर नॉन है, हमसे अच्छे रिलेशन सर उसके हैं, तो सर हम क्लोजिंग की सर कोशिश करते हैं, क्लोजिंग होते हैं। लेकिन सर जाना तो पड़ता ही है क्लोज के लिए सर, एक बार चेक या कैश के लिए सर जाना तो पड़ेगा ही।
तो सर मैक्सिमम सर सर डिपेंड होता है कि सर हम क्लोजिंग करें सर क्लोजिंग वाली बात सर करेंगे और सर अपॉइंटमेंट वाली है तो सर मैक्सिमम सर अपॉइंटमेंट ही होती है सर मैक्सिमम फोन पे जी तो सर मैक्सिमम अपॉइंटमेंट ही हो पाती है तो सर अपॉइंटमेंट वाली ही बात रखें तो मिलने सर टाइम रखें उसे फिक्स टाइम करें अपना जी सर 10 मिनट का या सर कल या परसों का सर कोई भी स्पेशल डे शाम का या सुबह का या सर कुछ भी सर अपॉइंटमेंट का टाइम जी ठीक है बढ़िया तो अपना इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट बढ़िया से बनाएं लोगों को अपने आप को बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस करें बढ़िया तरीके से बातचीत करें बढ़िया कंसेप्ट के बारे में बातचीत करें रिटायरमेंट एजुकेशन बच्चों की मैरिज वेल्थ बिल्डिंग अच्छा कंसेप्ट अच्छा से याद करके जाएं और एंड रिजल्ट के बारे में बात करें प्रीमियम कितना मिलेगा उसके बारे में मतलब प्रीमियम कितना भरना है उन सब के बारे में बात करने के बजाय एंड रिजल्ट जैसे फॉर एग्जांपल जीवन उमंग है जीवन उमंग का एंड रिजल्ट क्या है 100 साल की उम्र के अंदर 50 लाख रुपए आपको मिल रहा है 100 साल तक आपको 50 लाख मिल रहा है यानी कि 15वें साल के बाद 15-20-25-30 जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म उसके अंदर लेते हैं उतने साल के बाद आपको इसका मनी बैक हर साल मिलना शुरू हो जाता है और मिलता रहता है एंड में जाके 100 साल तक की गारंटी है 100 साल के अंदर आपको इसका मैच्योरिटी मिल जाता है तो क्या बात करनी है क्लाइंट को बड़ी फिगर बताएं जो कि सुनने में अच्छी लगे डेफिनेटली मिलने वाली तो है ही तो फिर बताने में क्या दिक्कत है कभी कभी मैंने देखा है कि हम लोग जाके क्या बोलते हैं कि जी आपका 2 लाख का सम अश्योर्ड हो गया अरे नहीं 2 लाख का सम अश्योर्ड के साथ साथ थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि 15वें साल के अंदर 8% के हिसाब से उसका मनी बैक आने वाला है 8% के हिसाब से उसका 2 लाख के हिसाब से 16,000 रुपए के हिसाब से हर साल ये वाला चलने वाला है तो 16,000 के हिसाब से ये आप इसका 2 लाख बताने की बजाय आप 16,000 के हिसाब से भी तो बता सकते हैं ना तो 16,000 के हिसाब से आप इसको बताएंगे 10 साल के अंदर आपका बनेगा ये वाला 1,60,000 20 साल के अंदर आपका बनेगा 3,20,000 30 साल के अंदर आपका बढ़ेगा 4,80,000 रुपए इसी तरीके से यदि आप 100 साल की एज में चेक करेंगे आप यदि लीडर के अंदर जैसे मान लीजिए आपने पीडीएफ चेक किया तो पीडीएफ के अंदर आपको उसके अंदर फिगर आएगा मान लीजिए उसमें 12 लाख 14 लाख 15 लाख 18 लाख ऐसा कुछ फिगर आ रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द एज कितने साल का हमने पॉलिसी किया तो एंड फिगर की बात करें 100 साल के अंदर टोटल पैसा 100 साल तक टोटल पैसा कितना मिला उसके बारे में बात करें आपको रिलेट हो पा रहा है या तो मैं लीडर ऐप खोल के और जीवन उमंग का इलस्ट्रेशन खोल के तब आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं आ रहा है सर समझ में वो तो फिगर तो जी अच्छी बात है सो क्लियर क्लियरली बताइए जाने के पहले बताइए मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ क्लियरली बताइए और सभी को अच्छा लगता है हम बोलें कुछ और जाके कुछ और करें वो किसी को पसंद नहीं है हमारी बातें क्रिस्प होनी चाहिए शॉर्ट होनी चाहिए स्वीट होनी चाहिए फटाफट में समझ में आनी चाहिए सभी को वो बात अच्छी लगती है प्रोफेशनल मीनिंगफुल टॉक करें ये सारा मैंने आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी भेजा हुआ है लेकिन हाँ जो भी भेजी हुई चीज़ है उसको और अच्छे तरीके से समझ लें जान लें तो वो फायदेमंद रहता है हम उसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सो क्लाइंट को पहले ही पता है कि भैया पैसा तो देना ही पड़ेगा और हमें कितना समय चाहिए ये हमें पहले से बताना पड़ेगा ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं ये सारी बातें हम लोग ने कर ली थी कि अपॉइंटमेंट किससे करें कैसे करें इंट्रोडक्शन कैसे करें ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे दोबारा से हम लोग थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करें ओके ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके बारे में आप में से बहुत सारे साथी ऑलरेडी इस वाले सेशन के अंदर अवेलेबल थे तो इसके बारे में कुछ और बात करने की आपकी इच्छा है और कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे कहना चाहेंगे कुछ बात करना चाहेंगे इन सभी के बारे में या तो टेलीफोन कॉलिंग के अंदर आपको दिक्कत क्या क्या आती है किस तरीके से आप बात करते हैं किस तरीके से आप बात कर पाते हैं किसी भी तरह का कोई बातचीत आप करना चाहेंगे इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बोलना चाहेंगे कुछ नहीं सो ऑब्जेक्शंस जब किसी क्लाइंट के आते हैं तो ऑब्जेक्शंस आने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है आपको किसी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं या नहीं आते हैं जब आपने कोई पॉलिसी बेचने का कोशिश किया या तो अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया क्या क्लाइंट आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन देता है कोई अपनी समस्या बताता है या तो कोई बहाना मारता है या तो कोई अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करता है या नहीं करता है सर सर अक्सर ये कहते हैं कि अरे मैंने तो करवा लिया है पॉलिसी है मेरे पास और इस टाइप से बातें करते हैं कल हमारे सामने ये बात आई थी जब उसने 46,000 का प्रीमियम दिखाया तो मैं घबरा तो गया हमने कहा अब तुम नहीं कराएगा ये
फिर अचानक क्यों नहीं कराएगा, मैं अपनी अपनी चीज बताते हैं, वो करा चुका उससे क्या लेना देना। तो पहली बात तो सुनना चाहिए उसकी सारी बातें जो मुझे सामने आया, और उसके बाद अपनी चीजें बेस्ट करके उसको परोसिए, अच्छे से मतलब उसको समझाइए जी अपनी चीज को, तो समझ में आ जाता है। बाकी ज्यादा तो हैंडलिंग यही रहती है, अरे मैंने करवा रखा है, ये है वो है, मेरा तो बीमा हुआ है, इस टाइप से लोग बोलते हैं जी। ठीक है, बढ़िया, ये एक ऑब्जेक्शन हो गया, मैंने तो करवा लिया है, मेरा बीमा हो चुका है। हाँ, ये एक ऑब्जेक्शन हुआ, आपने इन ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, आप एक्सपर्ट हैं, आप ढेर सारी सेल्स कॉल कर चुके हैं, ढेर सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर चुके हैं, तो आपके लिए नेचुरल हो चुका है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। ये हो गए दो ऑब्जेक्शन, आप क्लाइंट के पास गए, पहला ऑब्जेक्शन आया, आपने हैंडल कर लिया, उसके बाद आपने सेल कर दिया। कभी कभी क्या होता है, पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी सेल नहीं होता है, पहला ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद वो क्लाइंट कुछ और बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो करवा लिया, आपने हैंडल किया, समझाया बुझाया, दोबारा से ये प्लान है, ऐसा है वैसा है, आपने समझाया, आपने दोबारा से पैसा मांगा, ठीक है सर आप एलआईसी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे या तो आप मुझे कैश देना चाहेंगे, आपने क्लोजिंग का कोशिश किया, आपने पैसा मांगने का कोशिश किया, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिला, उसने दोबारा से एक ऑब्जेक्शन दे दिया, क्या ऑब्जेक्शन दे दिया, नहीं मैं तो वाइफ से पूछ के बताऊंगा, आपने उसको भी हैंडल किया, उसका भी एक धुआंधार बढ़िया सा शानदार सा फर्स्ट क्लास सा जवाब दिया, फिर आपने पैसा मांगा, अच्छा सर आप कैसे ईयरली, आपने क्लोजिंग का कोशिश किया, क्लोजिंग का कोशिश का मतलब क्या है सर, आप ईयरली कराएंगे या तो हाफ ईयरली कराएंगे, अभी फिर भी उसने नहीं मांगा, वो दोनों बातों में अग्री हुआ ही नहीं, इसका उसने क्या जवाब दिया, उसने फिर एक नया तीसरा ऑब्जेक्शन डाला, ऑब्जेक्शन नंबर वन हो गया, टू हो गया, तीसरा ऑब्जेक्शन क्या डाला, भाई साहब देखो अभी ना क्या है, मेरे को ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं ना आपसे संडे को मिल सकता हूँ, ऑब्जेक्शन नंबर थ्री, आपने उसको भी हैंडल किया, उसका भी आपने कोई ना कोई बढ़िया सा जवाब दिया, जो भी जवाब आप बेस्ट पॉसिबल इसको दे सकते थे। आमतौर पे होता क्या है, बहुत सारे एजेंट्स पहले ऑब्जेक्शन के लिए पहला ऑब्जेक्शन जैसे ही मिलता है आउट हो जाते हैं, पहला ऑब्जेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपर्ट हैं, आप उसका जवाब दे पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, क्लाइंट ने बोला मैंने तो करवा लिया है, वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर निकल जाते हैं, निकल क्यों जाते हैं, उनको क्या लगता है, अरे इसने तो करवा लिया अब ये तो नहीं करवा सकता है, वो बेचारे चले जाते हैं। एक बार तो मेरे साथ भी कल यही हुआ था जब मैंने उसका देखा कि ये 46-48 हज़ार का फिगर ये ईयरली के प्रीमियम दे दिया, तो एक बार तो मेरे मन में, लेकिन मुझे पता था कि उसकी कैपेसिटी है और करवाने की, तो 2000 रुपए मंथली का डाला, तो तुरंत हमने कहा कोई बात नहीं ये डालो जी। और फिर मैंने इसका जब फिगर दिखाया इसका अपना जीवन उमंग का, और लास्ट वाला फिगर वही दिखाया कि इसमें जाके 35-31 या 40 लाख कुछ था, हमने कहा देख रहे हो इतना कम प्रीमियम भरने के बाद और हर साल पूरे जीवन भर आपको मिलेगा, तो अचानक उसके समझ में आ गया होगा ये तो बहुत अच्छा प्लान है कि 16 साल से पैसा जीवन भर मिलेगा, हमने कहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाता है कि जैसे कोई दिखा दिया कि मैंने तो बीमा करवा रखा है, तो वहीं पे दिमाग क्लोज तो हो जाए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए, अपनी चीजें उसको समझाने की कोशिश करो, कल मुझे इस चीज का नॉलेज। आपने वो देखा है ना रामायण और महाभारत का वो युद्ध होता है कौरव और पांडव का, या तो फिर राम और रावण का युद्ध होता है, और वो तीर पे तीर चलाते जाते हैं, ठीक है, तो जो बढ़िया योद्धा होता है वो क्या होता है, जितने मर्जी तीर चला लो वो झेल जाता है। तो हमारे ऊपर यदि कस्टमर ने बोला, कोई भी उसका रीजन बताया, कोई ना कोई वजह हो सकती है, और उसका जो वजह है हमें जेन्युइन लग सकती है। जो छोटे एजेंट होते हैं, छोटे एजेंट का मतलब जिनको सेल्स की नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज नहीं है, सेलिंग की नॉलेज नहीं है, प्रेजेंटेशन की नॉलेज नहीं है, ये सब नॉलेज नहीं है, वो क्या होता है पहले ऑब्जेक्शन के अंदर आउट हो जाते हैं, पहला ऑब्जेक्शन सुना, अच्छा सर ठीक है जी थैंक यू वेरी मच, बेचारे चले जाते हैं, भाई भोले वाले होते हैं ना, तो जिनको नॉलेज होती है ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन आता है उसको भी हैंडल करते हैं, तीसरे को भी करते हैं, चौथे को भी करते हैं, पांचवे को भी करते हैं, जब तक ऑब्जेक्शन आता रहता है वो हर एक का कुछ ना कुछ जवाब, कुछ ना कुछ जवाब, कुछ ना कुछ जवाब उनके पास होता ही है। हमें क्या करना है कि हमें रजिस्टर रखना है, ये सारी बात क्लाइंट ने हमको कुछ बोला, हमें एक रखना है, कैसे रजिस्टर रखना है, हमें रजिस्टर जिसके अंदर हम सारी बातें लिख सकें, आप एक अपना रजिस्टर लेके रखिए, इस रजिस्टर के अंदर आप सारी बातें लिख के रखिए, सारी बातें लिखने का फायदा क्या है, रजिस्टर के अंदर सारी बातें लिखने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर है तो इसके अंदर सारी बातें आपको लिख के रखनी है, रजिस्टर को लेके रजिस्टर लिखने से फायदा क्या होता है कि आपको ना सोचने का समय भी मिल जाता है, और आपको ये भी ध्यान रहता है कि इसे 7 महीने कल ऑब्जेक्शन क्या डाला था, 1 महीने पहले क्या डाला था, 1 हफ्ते पहले क्या डाला था, और सेम जवाब को आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
आज आप उसका जवाब नहीं दे पाए। मान लीजिए उसने बोला ऐसा है ना, मेरा जो पैसा है मेरे को ना सप्लायर से पेमेंट आने वाली है, तो जी पेमेंट जब आएगी तो कराना। अब बड़े सारे एजेंट इसके चक्कर में वो कहते हैं अच्छा ठीक है सर, जब पेमेंट आएगी तो कराना, वो बेचारे उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना होता है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना होता है, हमें उसका, अच्छा हमको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका जवाब क्या दूं? वो कह रहा जी सप्लायर से पेमेंट आएगी तब पैसे दूंगा। अभी पहला तरीका है उठ के चले जाओ, जो कि खतरनाक तरीका है। आप उठ के गए तो बेचारे गए, फिर उसके बाद दोबारा आपकी एंट्री होगी कि नहीं होगी पता नहीं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसको हैंडल करो। हैंडल कैसे करो? आपको तो जवाब ही समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो आप रजिस्टर में लिख लो। जब आप रजिस्टर में लिखते हो ना, थोड़ी देर में जवाब आपको अपने आप बिजली चमक जाती है आपके दिमाग के अंदर, आप जवाब दे पाते हो। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका, फिर भी आपको ख्याल में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, फिर क्या करना है? फिर आप फोन लगा लो भाई, आप मुझे फोन लगा सकते हो, किसी को भी लगा सकते हो, कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा चलो ये भी नहीं किया, तो चौथा तरीका क्या करना है? फिर तो इसका कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। सप्लायर से पैसे आने वाले हैं, एग्री हो जाओ, सबसे पहले एग्री हो जाओ। तो उसने बोला जी सप्लायर से पैसे आना, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सप्लायर से पैसे आने के बाद दे देना सर, ऐसी क्या बात है सर, घर वाली बात है, नो प्रॉब्लम, आप जब मर्जी दे देना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन सर ये बताओ अभी कितने पड़े हैं? आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, एग्री हो जाना है, पूरी तरीके से एग्री हो जाना है, उसको उसको डिफेंसिव रहने नहीं देना। उसको लगे यार ये तो मेरी साइड है, मैंने बोला सप्लायर से पैसे आने वाले, कह रहे हाँ ठीक है पैसे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको लगेगा हाँ यार ये तो तैयार हो गया, ये तो मान गया मेरी बात। उसके बाद आपको हैंडल करना है, उसके बाद आप हैंडल करेंगे ना, फिर वो आपकी बात समझ जाएगा, आप उसको सेल कर पाएंगे। अभी कितने पैसे पड़े सर? नहीं अभी तो मेरे पास ना, आपने 40,000 का प्रीमियम बोला है, मेरे पास तो अभी 8,000 पड़े हैं, दो दे दो। 8,000 पड़े हैं ना, ट्रांसफर करोगे या कैश दोगे या चेक दोगे? और क्लोजिंग क्वेश्चन बोलने के बाद बोलते नहीं रहना होना, चुप हो जाना था। उसके बाद उसका काम है जवाब देने का, आपका काम नहीं है। आपने क्लोजिंग क्वेश्चन पूछा है, कई सारे एजेंट ये भी गलती करते हैं, मैंने कई बार देखा है, सर आप कैश देंगे या चेक देंगे? अच्छा सर अच्छा चलो ईयर, वो बेचारे मतलब उसके बाद भी उनकी ट्रेन चलती रहती है, बोलते रहते हैं। बेचारा क्लाइंट उधर सोच रहा है मैं कैश दूं कि चेक दूं, वो बेचारे उसके दिमाग में चल रहा है मैं कैश दूं कि चेक दूं, या अचानक उन्होंने कुछ और शुरू कर दिया, वो बेचारे उस क्लाइंट भूल जाता है कि मुझे क्या देना था, सेल टूट जाती है। क्लोजिंग क्वेश्चन के बाद कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। सो आज आपके लिए जो 5 पॉलिसी की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो 5 पॉलिसी के हिसाब से 5, 10, 15, 21 फोटो कोलाज आपका बन रहा है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। फोटो कोलाज आपका बनेगा, पूरे साल दफ्तर के अंदर उसको लगा के जाएगा। जो सीनियर डिवीजन मैनेजर जो सर आ रहे हैं उनसे सम्मानित होते हुए फोटो इसी कार्य को, इसी कोलाज में जो एक खूबसूरत सा कोलाज बनेगा, तो आपकी ब्रांच के अंदर पूरे साल भर आपकी फोटो लगी रहेगी। आपके कस्टमर आएंगे, कोई भी आएंगे, तो उनको नजर आएगा कि हाँ आप कितने शानदार। आज 5 किसका किसका हो गया है? 1 तारीख से 10 तारीख तक, जो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। एक तो मिश्रा जी का हो गया, मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई। और किसके साथी का हो गया सर? तो या बाकी साथियों का यदि नहीं हुआ है तो मतलब आज यदि उनका 5 होने वाला है, क्योंकि आज भी अभी तो 10 तारीख है, सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी जो आपका जो मीटिंग है जो SDM साहब के साथ वो है 2 बजे, तो 2 में आप सभी लोग आ रहे हैं ना? किसी का डाउट तो नहीं है कि हाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, या तो कोई समस्या है, या तो कहीं कोई अटकाव है, रुकावट है, परेशानी है? तो सभी लोग आ रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत है तो आप आ रहे हैं? ठीक है, बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। तो बाकी साथियों का कोई डाउट है, कहीं कोई रुकावट परेशानी? राजेंद्र जी, देशाज कपूर जी, रविराज किशोर जी, अजय कुमार मिश्रा जी, अग्रवाल साहब तो खैर आ ही रहे हैं, वो तो खैर पड़ोसी हैं हमारे, LIC के दफ्तर के बाहर ही है, तो उनको हम आने ना आने के लिए उनको बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पड़ोसी हैं, बिल्कुल ब्रांच के साथ ही हैं। सो नरेंद्र पाल जी, हरिराम जी, सब लोग आ रहे हैं, या तो कहीं कोई डाउट किस तरह का आपको महसूस हो रहा है? हरिराम जी भी आ रहे हैं, अच्छी, मिश्रा जी ने भी बता दिया आ रहे हैं। सो जी आप भी आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। और कोई साथ? 2 बजे का मीटिंग है, जो सीनियर डिवीजन मैनेजर जो हैं, SDM साहब जो हैं, उनके साथ हमारा जो मीटिंग रहेगा 2 बजे का रहेगा। उन्होंने 2 बजे का टाइम हमको बोला है, 12:30 बजे उन्होंने बताया कि हाँ दफ्तर में आ जाएंगे, और उसके बाद जो मीटिंग करेंगे वो 2 बजे करेंगे। लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन का लास्ट इस्तेमाल किसने किया था, मतलब मार्च के महीने में किसने किसने इस्तेमाल किया था लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन का? मार्च के महीने में इस्तेमाल किसने किसने किया? या तो आपको अभी भी भारी लगता है यार ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, ये तो बड़ी भारी चीज है, इतना भारी भरकम चीज हमको क्यों बोल रहे हो यूज करने के लिए? आसान आसान तरीकों से हम पॉलिसी बेचेंगे, ये बड़े बड़े तरीकों से क्यों बोल रहे हो करने के लिए? सो लास्ट मार्च के महीने में किसने किसने इस्तेमाल किया था, कोई बताना चाहेंगे?
यदि नहीं किया था तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसका पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको जो एक घंटे का जो है मिस्टर राजेश टैगोर का हिंदी वाला भी और अंग्रेजी वाला भी, वो दोनों के दोनों मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजे हुए हैं, टेलीग्राम पर भी हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर भेजे हुए हैं, थोड़ा सा उसको देख लें, उससे पॉलिसी बेचना आसान हो जाता है। नई तरीके से यदि आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो शायद शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ तरीके से और ढेर सारे लोग हैं जो कि बेच पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं तो कभी हो सकते हैं। जी बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी नरेंद्र बताइए। जी बताइए सर, एक पार्टी असम को सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है जो सर आपने सर कल मेरी बात हुई थी आपसे, तो कर लीजिए क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर लीजिए। जी ट्रांसफर कर लीजिए क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। जी जी हाँ जी हाँ जी सर, ऑप्शन मिल गया जी 5% सर सब पेटीएम के माध्यम से सर ऑप्शन मिल गया है। पेटीएम से आप पेटीएम से कर लीजिए, फोन पे से ट्रांसफर कर लीजिए, बट सर 5% चार्ज लग रहा है तो पार्टी थोड़ा उसमें क्लियर आपकी बात सही है। 5% लेते हैं आप फोन पे से ट्रांसफर करते हैं, फोन पे वाले 5% लेते हैं। आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्रेडिट कार्ड से जब हम पैसा, हाँ जी सर पार्टी सहमत नहीं हो रही वहाँ पे, कहने भी एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है मेरा वहाँ पे 600। मैं भी जब आप क्लाइंट से जो क्रेडिट कार्ड है उससे पैसा आप अपने अकाउंट में ऐड करवा लीजिए, आपका जो पेटीएम है उसमें ऐड मनी पर क्लिक करिए, ऐड मनी पर क्लिक करके क्लाइंट का मोबाइल नंबर, आपका क्लाइंट का जो पेटीएम है उसके अंदर नहीं, आपका जो पेटीएम है उसके अंदर आप ऐड मनी खोलिए, ऐड मनी खोलने के बाद उसके अंदर ऐड मनी में क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसमें क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को बोलिए ठीक है सर लाइए डिटेल बताइए आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्या है, डिटेल डालने के बाद ऐड मनी जितने रुपए का प्रीमियम है आप अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर लीजिए, आपका ये जो पैसा ऐड होगा ये आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड होगा, आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड हो गया, आपके पास पैसा आ गया, 5% नहीं लगा, ठीक है ना, कुछ नहीं, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगा, आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा आ गया, आप इस पैसे को LIC में जमा करा दीजिए। जब भी हम क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक अकाउंट में भेजने की कोशिश करते हैं पेटीएम वाले 5% लेते हैं, ये उनका चार्जेस है। मैं भी दुकान पे जाता हूं, क्रेडिट कार्ड पे भी डाउनलोड करने पे पैसे लगते हैं सर। क्रेडिट कार्ड से डाउनलोड क्या कैसे लगते हैं? वॉलेट में लेने पे भी लगते हैं सर। क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में नहीं, वॉलेट से बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो पैसा लगता है, क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में ऐड करते हैं तो नहीं लगते। लगते हैं सर। कितने लगते हैं सर? करीब करीब 2% लगते हैं सर। ओके, तो ये नया चालू किया होगा मैंने, लास्ट टाइम जब क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा ऐड किया था या तो मैंने फोन पे वॉलेट में किया था या तो अमेजोन पे वॉलेट में ऐड किया था तो मेरा एक रुपया नहीं लिया। कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है सर। अच्छा, किस तरीके का क्रेडिट कार्ड आपने बनवा रखा है उस पर डिपेंड करता है, और आप यूज कैसा करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको चार्जेबल हो जाएगा, और अगर आप जब कभी करते हैं थोड़े बहुत अमाउंट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। कल मैं फुटबॉल की दुकान पे फुटबॉल खरीदने गया तो मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दिया। अब वो जो फुटबॉल की दुकान है, हमारे ही ब्रांच के एक एजेंट है नितिन भारद्वाज जी की दुकान है, फुटबॉल की दुकान है, मैंने कहा नितिन मेरे को दे दे फुटबॉल, तो मैंने नितिन को क्रेडिट कार्ड दिया तो कहता है सर 3% एक्स्ट्रा लगेगा, हाँ मेरे को पेटीएम में या तो डेबिट कार्ड दे दो या तो पेटीएम में स्कैन करके ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा ठीक है, हम तेरे फालतू में 3% मतलब 515 रुपए फालतू नहीं लगवाएंगे, तू मेरे से ऐसा कर मैं तेरे को वो तेरा पेटीएम का स्कैन कोड स्कैन करके तेरे को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ठीक है, हमारी घर की बात थी, हमारी ब्रांच में एजेंट है तो ठीक है उन्होंने बोल दिया। कस्टमर से लोग इस तरह की बातें नहीं करते, कस्टमर को 3% 1% कुछ नहीं बोलते, वो कहते ठीक है सर दे दो, चलो क्रेडिट कार्ड सही 15 रुपए का नुकसान सही, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। सो क्रेडिट कार्ड से पैसा लगता है, और भी जगहों पर ऐसा होता है, वो कहते हैं जी अब जैसे मैं ज्वेलरी खरीदने गया, मैं साउथ एक्स गया, वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड से लोगे तो 3% फालतू लेंगे। मैं करोलबाग गया ज्वेलरी खरीदने के लिए, वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड से लोगे तो 3% फालतू लेंगे, नहीं तो डेबिट कार्ड दो, नहीं तो कैश दो, नहीं तो स्कैन करो। मैं चलो ठीक है 3% फालतू क्यों दें। कई बार ऐसा भी होता है, मैं होटल बुकिंग के लिए गया, मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में कहने लगे क्रेडिट कार्ड पे हम 3% फालतू लेंगे, मैं छोड़ना यार तू पैसे ले कैश ले चल। तो ये है समस्या, तो अब जो उसके चार्जेस हैं सो हैं, वो तो खैर हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो आप अपने वॉलेट में, अब जैसे रविराज किशोर जी कह रहे हैं 2% लग रहा है तो शायद इन्होंने नया चालू किया होगा, 2% के हिसाब से भी मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं है, 2% के अंदर पैसा आपको आ रहा है। मनीष जी तो मैंने देखा है रेगुलरली करते रहते हैं, 2-4-5% की कभी फिगर नहीं करते, वो कहता है छोड़ना यार सेल हो रही है बाकी देखा जाएगा।
सो कर लीजिए आप। मनाली का पिकनिक है 21 पॉलिसीज पर, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, आज 10 तारीख हो गई है, 5 दिन बचे हैं, ये वाले क्वालिफाई आप करिए। लंच विद ब्रांच मैनेजर एंड 3-स्टार होटल 3 पॉलिसी आप 4,000 रेगुलर प्रीमियम पर, एक ये भी आपके लिए है। ऑनरिंग बाय द ब्रांच मैनेजर इन 3-स्टार होटल 6 पॉलिसी या तो 1,00,000 प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम पर, स्पेशल ऑनरिंग 11 पॉलिसी या तो 1,50,000 रेगुलर प्रीमियम पर, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। और इसके अलावा कहीं पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है तो बताइए। अग्रवाल साहब को बधाई, जो नॉर्थ जोन जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स की जो मीटिंग होने वाली थी 1,50,000 प्रीमियम पर, वो उनका क्वालिफाई हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां अग्रवाल साहब के लिए, उनके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छा लगा, वेरी बढ़िया। सो मैं और अग्रवाल साहब जीवन भारती बिल्डिंग कनॉट प्लेस जा रहे हैं, वहाँ पे जो RMHI है रीजनल मैनेजर हेल्थ इंश्योरेंस जो है, उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने बुलाया था, भाई आप इसको क्वालिफाई करो, तो अग्रवाल साहब ने इसको क्वालिफाई कर लिया है, 1,50,000 से ऊपर का प्रीमियम हो गया, 1,53,000 का प्रीमियम हो चुका है, तो मुलाकात करने जा रहे हैं। और साथ में आप जो साथी हैं, हाँ जी बताइए चौहान सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना नहीं चाहता, आप तो नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा, आपने माइक आपने ऑन करके कुछ बोला तो मुझे लगा कि आपका कुछ कहने का इच्छा है, तो हम लोग जा रहे हैं। और आपका भी, जिन जिन साथी का, आप सभी लोग साथ में चलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा मेरी। अच्छा, आप में से हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी कुछ एक साथियों ने इस साल बेचा हुआ है, इस साल का मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक, यदि नहीं बेचा है तो आज कल परसों के अंदर इसको बेच डालिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी बेच के, अग्रवाल साहब ने तो खैर 1,50,000 से ऊपर का प्रीमियम किया है, दैट्स वेरी गुड। नॉर्थ जोन के जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स की मीटिंग के अंदर वो उनका नाम आ चुका है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी साथी भी इसके लिए क्वालिफाई करें, जिससे कि हम, मैं और अग्रवाल साहब के साथ बाकी साथी भी वहां पर चलें, बहुत ही अच्छा लगेगा, सभी को बढ़िया लगेगा। सो आज के सेशन के बारे में आपको बताएं, हमने पिछले 39 मिनट के अंदर ढेर सारी इधर उधर की बातें करी, तो उनके अंदर से आपको क्या क्या पसंद आया, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या आपको इस्तेमाल करने लायक लगा, बताएं। वाला बहुत अच्छा लगा आपका, ABC वाला जो बताया आपने, ऑलवेज क्लोजिंग के मूड में रहने वाला, एक तो ये बड़ा अच्छा रहा कि हमेशा इस तैयारी में रहिए कि क्लोजिंग हो। मैं चीज पता लगा, काम करने गए और पैसा ही नहीं मांगे उससे, पैसा ही नहीं लिया, क्लोजिंग हुई नहीं और फालतू बातें खूब हो गई। तो ये ABC वाला आपका बड़ा अच्छा लगा आज। अच्छा, सर साथ में, सर आपने ये बताया सर, कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, सर कई बार गलती हम लोग सब करते हैं ये जी, तो अपॉइंटमेंट लेते टाइम सर अपॉइंटमेंट ही लें और क्लोजिंग करने के वक्त क्लोजिंग करें। चलो बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, वेरी गुड बढ़िया। सो 2 बजे मुलाकात करते हैं, SDM साहब दफ्तर के अंदर आ रहे हैं, आप सबके सब वहां पर दफ्तर के अंदर जरूर आए, विश यू ऑल द बेस्ट, दफ्तर के अंदर मुलाकात करते हैं 2 बजे। हमारे जो सीनियर डिवीजन मैनेजर हैं धर्मपाल जी दफ्तर में मौजूद रहेंगे, और आप सभी साथी वहां पर जरूर जरूर आएं, और आज का कलेक्शन पे ध्यान दें, थोड़ा सा सेल बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि यही काम है जो कि हमें नेचुरली दिया गया है, तो जो काम हमको दिया गया है हम उसको शिद्दत के साथ